अगर वॉल्यूम बदलेंगे तो क्या होगा? अगर गैसेस हैं तो डब्बे का वॉल्यूम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वॉल्यूम बदल जाएगा, और अगर सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्वेंट डाल देंगे तो भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सॉल्वेंट अलग से निकालना तो संभव नहीं होता, पर ऐड करके डाइल्यूट करना हमेशा संभव हो जाता है। निकालना क्यों संभव नहीं होता? अरे सॉल्वेंट निकालोगे तो साथ साथ सॉल्यूट भी निकल आएगा ना, इसलिए कह रहा हूं। अच्छी बात है। तो आप देखिए, अगर वॉल्यूम बढ़ाते हैं, अगर ओवरऑल वॉल्यूम, पहले गैसों की बात करते हैं, अगर ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा? वॉल्यूम के बढ़ाते ही प्रत्येक गैस का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, टोटल इक्विलिब्रियम मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, और जैसे ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर का पार्शियल प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां पर टोटल इक्विलिब्रियम मिक्सचर का प्रेशर बढ़ जाए या जहां गैसों के मोल्स बढ़ जाएं, जैसा कि हमने पिछली बार बात भी करी थी। तो मुश्किल नहीं है, ऑफ कोर्स ये मुश्किल नहीं है। मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आएंगे उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यदि वॉल्यूम बढ़ाकर टोटल प्रेशर कम कर दिया जाए तो, एज पर लेशलेस प्रिंसिपल। अच्छी बात है। तो मान लीजिए अगर रिएक्शन है ए गैस टकड़क बी गैस, क्या होगा? इसमें डेल्टा एन गैस जीरो है तो वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये सच है, पार्शियल प्रेशर ए का भी बदलेगा बी का भी, पर वो फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट कहीं नहीं होगा। क्यों? इसको हम प्रेशर वाले टर्म में पहले भी देख चुके हैं, सेम बात है, कोई नई बात नहीं है, जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट जस्ट टू बी श्योर। क्यों? बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए, इस नियत से हम उसे एक बार फिर से बोले दे रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, जैसे H2+I2 टकराकर 2HI, अब वॉल्यूम बढ़ाते जाइए, वॉल्यूम बढ़ाते जाएंगे पार्शियल प्रेशर कम होगा, पर पार्शियल प्रेशर दोनों का एक साथ एक जैसा ही कम होगा, किसका? H2 और I2 का, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए KP बराबर था पार्शियल प्रेशर ऑफ HI का स्क्वायर अपॉन H2 into I2, राइट? आपने वॉल्यूम दुगना किया, वॉल्यूम दुगना करते ही प्रेशर आधे हो जाएंगे, और पार्शियल प्रेशर ऑफ HI जितना पहले था उसका आधा हो जाएगा, और H2 जितनी थी वो हाफ हो जाएगी, और I2 जितनी थी वो भी हाफ हो जाएगी, 2 2 2 कट जाएंगे, दिस इज सेम एज KP। अच्छा, तो यानी कि इक्विलिब्रियम अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है, तो दैट्स इट, ना वो फॉरवर्ड जाएगा ना वो बैकवर्ड जाएगा। ये तो आसान है, ऑफ कोर्स ये बहुत ही आसान है, ठीक है? उसी की बजाय अगर ए टकराक 2 भी ऐसा होता जिसमें गैस के मोल्स बढ़ रहे होते, गैस के मोल्स बढ़ रहे हैं तो हमको पता है नेट फॉरवर्ड चला जाएगा, राइट? अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड चला जाएगा जहां टोटल गैस के मोल्स बढ़ जाएंगे, राइट? जैसे जैसे N2O4 टकराक 2NO2, अब वॉल्यूम बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, NO2 रेडिश ब्राउन कलर की है, N2O4 कलरलेस है, तो मिक्सचर और विजिबली रेडिश ब्राउन होता जाएगा वॉल्यूम बढ़ाने पर। क्यों? ये फॉरवर्ड आके नया नया NO2 बनाता रहेगा, इसलिए, ठीक है, डीलिंग्स के साथ। अगर उल्टा हो, डेल्टा एन गैस नेगेटिव हो, तब क्या होगा? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, कैसे? जैसे ये देखिए, O2 गिविंग यू ओजोन, इक्विलिब्रियम में थे, आपने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा? टोटल प्रेशर कम होगा, इक्विलिब्रियम उस दिशा में शिफ्ट होगा जहां टोटल प्रेशर बढ़ जाए, बैकवर्ड चला जाएगा। वाओ, तो ओजोन टूट टूट कर O2 बनाने लगेगी। जी हाँ, अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो ओजोन टूट टूट कर O2 बनाने लग जाएगी, ठीक है? अच्छी बात है। एक एग्जांपल बताइए, अगर है हेबर्स प्रोसेस, बहुत ही क्लासिक, N2+3H2 टकराकर 2NH3, वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, किधर शिफ्ट होगा इक्विलिब्रियम? आप पाएंगे यहां पर 4 मोल है गैस के और यहां 2 ही मोल है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उस दिशा में जाएगा जहां गैस के मोल्स ज्यादा है, बैकवर्ड चला जाएगा। हमारे केस में अमोनिया की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी और वो डिसोसिएट होके और अधिक अधिक मात्रा में N2 और H2 बनाने लग जाएगी, राइट? एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। अगर अमोनियम कार्बामेट है, वाओ, ये अमोनियम कार्बामेट होता है, जी हाँ, इसे अमोनियम कार्बामेट ऐसा करके बोलते हैं, ये सॉलिड है और ये अमोनिया और CO2 देता है इक्विलिब्रियम पर। हाँ जी, मैंने वॉल्यूम बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाने से क्या होगा? जहां गैस के मोल ज्यादा है वहां जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, इससे क्या होगा? अमोनियम कार्बामेट जो सॉलिड स्टेट में है उसके मोल्स कम हो जाएंगे, मोल्स ऑफ अमोनिया और CO2 जो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट है वो बढ़ जाएंगे। ये कह सकते हैं, ये जरूर कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यहां पर एक और कमेंट लिखा है, अमोनिया एंड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, ये हमेशा ऐसा ही होगा? वेल,
ये तब होगा जब शुरुआत में आपके पास अमोनिया और CO2 सारी उतनी ही थी जो अमोनियम कार्बामेट से बनी थी। क्या मतलब कंफ्यूजिंग बात कर रहे हो? बहुत अच्छी बड़ी महीन बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, बहुत शानदार बात है। क्या? ऐसे मान लो एक वैक्यूम था डब्बे में पहले, और जब आपने उसमें अमोनियम कार्बामेट डाला तो उसने डिकम्पोज करके अमोनिया दी और CO2 दी। अमोनिया का प्रेशर आया पी, तो CO2 का आया पी, तो अमोनिया आ गई 2P, और KP बराबर हो जाएगा, ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है, 2P का होल स्क्वायर इनटू पी व्हिच इज 4PQ, ठीक है? तो पी कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ KP अपॉन 4। KP कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो क्यूब रूट कांस्टेंट होगा, तो दिस इज कांस्टेंट। और टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना हो जाएगा? हो जाएगा 2P प्लस पी यानी 3P। पी कांस्टेंट है तो 3P कांस्टेंट है, यानी कि ये इक्विलिब्रियम प्रेशर भी अरे कांस्टेंट है। ये हेटरोजेनस की खूबसूरती है, जी हाँ, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊं या घटाऊं, प्रेशर उतना ही आएगा। यस, प्रेशर उतना ही आएगा, क्योंकि हमेशा अमोनिया और CO2 उतने ही पार्शियल प्रेशर पर इक्विलिब्रियम पर रहेंगी अगर वो अमोनियम कार्बोमेट के डिसोसिएशन से ही आ रही है, तो रेशियो हमेशा इतना ही रहेगा। ये सब कुछ कांस्टेंट आ जाएगा, जैसा कि आप बिल्कुल लॉजिकली यहां से देख सकते हैं, राइट? ठीक है, ये तो हो गया भाई, लॉजिकली देख सकते हैं कि ये कांस्टेंट आएगा, हमें मिल भी गया, एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम बड़े खुश हैं। और यहां एक बहुत अच्छा पॉइंट है, क्या? ये सारी लीला, ये सारी मीमांसा, ये सारे आइडियाज ना, ये तभी तक होल्ड कर रहे हैं जब वेसल में सारी अमोनिया और CO2 आ रही है अमोनियम कार्बामेट से। मतलब ऐसा भी तो हो सकता था कि आपने अमोनियम कार्बामेट को किसी ऐसे डब्बे में डाला है जिसमें पहले से ही अमोनिया या CO2 में से कोई गैस थी। अगर ऐसा है फिर बैंड बच जाएगी, फिर ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये कांस्टेंट है। क्यों? तब की एनालिसिस दूसरी हो जाएगी। कैसे? वहां की मैथ्स करके दिखा देता हूं। ये तो मैथ्स आपने देख ली, कांस्टेंट था। तो ये जो यहां लिखा है, ये पहले केस के लिए था जब अमोनिया और CO2 सारी की सारी सिर्फ अमोनियम कार्बामेट के डिसोसिएशन से आ रही है और 2:1 रेशियो में हमेशा है, तब के लिए। पर मान लीजिए शुरुआत में अमोनिया थी और उसका प्रेशर कुछ भी था, मान लीजिए ए था। अब यहां से आया 2P और यहां से आया पी या पी डैश मान लीजिए, तो अब आ जाएगा ए प्लस 2P डैश का स्क्वायर इनटू पी डैश बराबर केपी, ऐसा आ जाएगा। अब ये ए की कुछ भी अनसर्टेन वैल्यू हो सकती है, डू यू सी दैट? और ये ए क्या था? ए था प्रेशर जो उस वेसल में था शुरुआत में, राइट? अब अगर आप वेसल का वॉल्यूम बदलेंगे, तो अगर शुरुआत में इतने वॉल्यूम पर प्रेशर मान लीजिए 1 atmosphere था, शुरुआत में अमोनिया का इनिशियल प्रेशर जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी वो 1 था, और अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वेसल बदल दिया तो अब वही इनिशियल प्रेशर 1 से कम हो जाएगा। तो ये ए जो है वेसल का वॉल्यूम बदलने के साथ साथ ये नालायक ए भी बदलेगा। अच्छा, ये कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, फिर क्या होगा? फिर हम फंस जाएंगे। और जो हमने कहा था कि टोटल प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, दिस प्लस दिस नहीं, अगर हम वॉल्यूम ऑफ वेसल बदलेंगे तो ये लगातार बदलते रहेंगे, पी डैश भी बदलेगा और ए भी बदलेगा। इनका प्रोडक्ट यहाँ पे कांस्टेंट है इस फॉर्मूले के हिसाब से, पर इंडिविजुअली ए और पी डैश अब कांस्टेंट नहीं रह जाएंगे, राइट? तो जो हम कहा था कि अमोनिया और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ऑलवेज टेक दिस पिंच ऑफ सॉल्ट। ये सिर्फ तब तक है जब तक शुरुआत में अमोनिया और CO2 के अलावा कुछ नहीं था। अब इनफैक्ट शुरुआत में वैक्यूम था, जितनी अमोनिया आ रही है सारी अमोनियम कार्बामेट से आ रही है, जितनी CO2 आ रही है सारी अमोनियम कार्बामेट से आ रही है, ये तभी सच होगा, इसके अलावा ये सच नहीं होगा। ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा।